وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المتقين المخلصين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا العظيم मोहतरम मुअज्जज हाज़रीन सामईन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। हमारी दो तीन जुमा पहले सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से सिलसिलावार गुफ्तगू जारी थी, उसको दोबारा से हम शुरू करते हैं जहाँ छोड़ा था। तो बात ख़त्म हुई थी कि आका अलैहिस्सलाम पर पहली वही आई, और पहली वही जो आई वो थी इकरा, ए हबीब पढ़िए, ये वही आई। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मा अना बिकारी इन, मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ। इस पर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने दोबारा कहा एक और पढ़िए। तो आपने फरमाया मा अना बिकारी इन, मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ। जिस तरह एक आम इंसान किताबें पढ़ता है और इल्म सीखता है, आका अलैहिस्सलाम उस प्रोसेस से तो नहीं गुजरे थे ना, किसी स्कूल में गए हों या मदरसे में गए हों या किसी उस्ताद के आगे बैठे हों। तो उससे नफ़ी उस चीज़ की थी, इल्म की नफ़ी नहीं थी। ये हमारा अकीदा है, इल्म की नफ़ी नहीं थी, बल्कि मामूल में जो किरात है, पढ़ना है, किताबत है, वो आका अलैहिस्सलाम का मामूल नहीं था, क्योंकि आप उम्मी थे और आपने मखलूक में से किसी उस्ताद से भी पढ़ना लिखना सीखा नहीं। अर्रहमान अल्लमल कुरान, अल्लाह ने ख़ुद अपने हबीब को हर तरह का इल्म सिखाया है। दीगर अंबिया मसलन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने वालिद से सीखते रहे और फिर बाद में शुएब अलैहिस्सलाम से भी सीखते रहे, ये कुरान में है सारा वाक़या। तो मूसा अलैहिस्सलाम के उस्ताद हुए ना शुएब अलैहिस्सलाम, उनसे सीखते रहे। इसी तरह जलीलुल कदर अंबिया हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद से इल्म सीखा, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने हज़रत मरियम के जो वालिद थे इमरान अलैहिस्सलाम उनसे इल्म सीखा। मेरी बात आप समझ रहे हैं? तो अंबिया में ये कोई ताज्जुब और अजीब बात नहीं थी कि वो इल्म सीखते थे, सिखाते थे। लेकिन अल्लाह जल्ला मजदहू की ये गैरत ने गवारा नहीं किया कि उसके हबीब दुनिया में मखलूक में किसी के शागिर्द कहलवाएं, बल्कि फरमाया अल्लाह मल कुरान, अगर मेरे महबूब का कोई उस्ताद है तो सिर्फ़ अल्लाह है, बाकी वो किसी के इल्म के मोहताज। व अल्लम का मालम तकुन तअलम व कान फ़ज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा, मेरे हबीब हमने आपको हर उस चीज़ का इल्म सिखा दिया है जो आप पहले नहीं जानते थे, अब आपके अंदर किसी तरह की कोई कमी कजी इल्मी हवाले से रही नहीं। तो खैर ये मेरा मौजू नहीं जिस पे हम चल पड़े। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं तो मामूल में पढ़ने वाला नहीं हूँ। तो हज़रत जिब्राईल ने फिर पकड़ा और भींचा ज़ोर के, हत्ता कि आप फरमाते कि मेरा पूरा ज़ोर लग गया ना उसको बर्दाश्त करते हुए। उन्होंने तीसरी बार फिर कहा एक और पढ़िए, तो मैंने कहा कि मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ मामूल में। चौथी मर्तबा उन्होंने कहा एक और बिस्म रब्बिकल्लज़ी खलक, कि मेरे कहने पे नहीं, उस रब के नाम से पढ़िए जिसने हर एक को पैदा किया है। अब जैसे जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने यह कहा कि अल्लाह के नाम से पढ़े, तो हुजूर पढ़ने लग गए। इसमें यह भी इशारा था कि आयत चूँकि थी इकरा बिस्म रब्बिक, अपने रब के नाम से पढ़िए। तो जब हुजूर को कहा गया पढ़िए, तो फरमाया मैं मामूल में पढ़ने वाला इंसान नहीं हूँ।
जब कहा कि अपने रब के नाम से पढ़ें तो हुजूर ने पढ़ना शुरू कर दिया और जो कुछ उन्होंने पढ़ा उसको दोहरा दिया। और घर आए तो आप पर पसीने की कैफियत थी और फरमा रहे थे कि मुझे कंबल ओढ़ा दो, मुझे कंबल ओढ़ा दो। इसकी वजह मैंने बयान कर दी थी, शायद मुझे अब याद नहीं है, कि कई लोग इससे मुगालते का शिकार होते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, कल इस्लाम पे रोब क्यों तारी हुआ। भाई सादा सी बात है कि अल्लाह पाक ने कुरान पाक के बारे फरमाया है कि अगर हम इसको पहाड़ पर नाजिल करते तो पहाड़ भी अल्लाह के खौफ से रेजा रेजा हो जाता। तो जिस पैगंबर के कल्ब पर, दिल पर उस कलाम उतर रहा था, अल्लाह की वही नाजिल हो रही थी, उसके ऊपर ये कैफियत तो तारी होनी थी ना, पसीना आ जाना और रोब का तारी हो जाना, वो कलाम इलाही उतर रहा था। मेरी बात समझ रहे हैं? बल्कि ये तो हुजूर की शान का इजहार है, शान मुस्तफ़ा का, बोलिए कि पहाड़ टुकड़े टुकड़े हो जाता है और सरकार का कल्ब मुबारक टुकड़े नहीं हुआ, इसमें तो शान मुस्तफ़ा का इजहार। मेरी बात अब समझे कि नहीं समझे? बाकी बड़ी हैवी मजबूत कोई दवाई खा लें तो इंसान को पसीना आ जाता है, ऐसा होता ही नहीं होता। तो हम तो दवाई बर्दाश्त नहीं कर पाते, आका तो अल्लाह का कलाम बर्दाश्त कर रहे थे। पसीने का आना एक तभी बशरी फितरती तकाजा है, उसको शान के नक्स और शान की कमी की तरफ उसको मामूल करना जायज़ नहीं। आगे बात समझ। तो हज़रत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा, उन्होंने अर्ज़ की, तो वो मैंने सारी बात सुना दी थी जब ये बात हो रही थी। उन्होंने कहा कि मेरे चचाजाद भाई हैं वरका बिन नौफल, बहुत बड़े आलिम थे ईसाइत के, उन्होंने मक्का में रहने वालों में वो चंद अफराद में से थे जिन्होंने बुत परस्ती को छोड़ दिया था इस्लाम की आमद से पहले ही, और हक की तलाश में मुख्तलिफ शहर, मुख्तलिफ इलाके, मुख्तलिफ मुल्क फिरते रहे। बस बिल आखिर वरका बिन नौफल को उस वक्त जो सबसे दुरुस्त दीन लगा वो ईसाइत था, तो उन्होंने वो इख्तियार कर लिया। और वो इब्रानी ज़ुबान के आलिम थे और इब्रानी ज़ुबान से मुंतकिल करते थे अरबी ज़ुबान में इंजील मुबारक को, इंजील मुकद्दस को, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की किताब को, तो बहुत बड़े आलिम थे ईसाइत के। तो हज़रत खदीजा ने कहा क्यों ना उनके पास चला जाए और उन्हें ये सारा वाक़या सुनाया जाए कि इस तरह हुआ। तो जब आका अलैहिस्सलाम हज़रत खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा व सलामुल्लाह अलैहा, उनके साथ हज़रत वरका बिन नौफल, वो भी बाद में मुसलमान हो गए थे, उनके बारे हदीस है बकायदा। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया वरका को बुरा ना कहो, मैंने उन्हें जन्नत में देखा है, तो मुसलमान हुए। उनके पास गए, उन्हें जब सारा वाक़या सुनाया, उन्होंने कहा कि ऐ मेरे भतीजे, परेशान होने की बात नहीं, ये तो वही फरिश्ता है, ये वही नामूस है, वही फरिश्ता है जो हज़रत मूसा के पास भी वही लेके आया था और हज़रत ईसा के पास भी वही लेके आया था, लेकिन काश मैं उस वक्त ज़िंदा रहूँ जब आपकी कौम आपको यहाँ से निकालेगी, आपकी कौम आपको यहाँ से निकाल देगी। आपने फरमाया मेरी कौम तो मुझ पे जान देती है, वो कैसे मुझे यहां से निकाल देगी? तो हजरत वरका बिन नौफल ने कहा कि जो भी हक का पैगाम लेके उठता है उसे दुश्मनी के लिए तैयार रहना चाहिए। ऊ दिया, उसके आधा पैदा होते हैं, उसके दुश्मन पैदा होते हैं, उसके हासिद पैदा होते हैं, उसके आदा उदुव से दुश्मन आदा पैदा होते हैं, दुश्मन पैदा होते हैं, जो महज हसद में, तकब्बुर में, जिद में, अनाद में, अपनी एक अनानीजत के अंदर आके हक की मुखालिफत करते हैं और पूरी कोशिश करते हैं कि हक को जड़ से उखाड़ दें, लेकिन आने वाला वक्त अल्लाह फिर वो ऐसा ले आता है कि दिखाता है कि जिस हक को वो मिटाना चाहते थे वो खुद मिट चुके होते हैं और वही हक सब पे गालिब आ चुका होता है। तो उन्होंने कहा कि काश मैं उस वक्त जिंदा रहता जब आपकी कौम आपको यहां से निकाल देगी, तो मैं आपकी बड़ी मजबूत मदद करता उस वक्त, काश मैं उस वक्त जिंदा रहता। इससे यह भी पता चला वरका बिन नौफल की निगाह कोई आम निगाह नहीं थी। मेरी बात समझ आई कि नहीं है? हाँ, बकायदा कलमा शहादत फिर उन्होंने बाद में पढ़ा, लेकिन आका अलैहिस्सलाम के पास जो फरिश्ता आया उसकी तस्दीक की कि ये वही फरिश्ता है।
मेरी बात आप समझे कि नहीं समझे। अब इससे पहले मैंने अर्ज किया था कि 6 माह तक सच्चे ख्वाब सरकार को आते रहे, कितने 6 माह, और नबी का ख्वाब भी वही होता है, नबी का ख्वाब भी। हमारे यहाँ एक पढ़ा लिखा तबका ऐसा भी है जो ख्वाब का बिल्कुल कुल्लियतन इनकार करता है, एब्सोल्युटली इनकार करता है, कैटेगोरिकली इनकार करता है। वो कहता है ख्वाब की कोई हैसियत नहीं, ख्वाब जस्ट सिर्फ ख्यालात हैं, इसके सिवा इसकी कोई ताबीर कोई हकीकत। ये कुरान का इनकार, याद रखें किसका इनकार है, कुरान का। कुरान में सैकड़ों मकामात पे अल्लाह पाक ने ख्वाब को बयान किया। हाँ, फ़र्क ये है कि पैगंबर का ख्वाब भी वही होता है और गैर पैगंबर का जो ख्वाब है वो अपने अपने दर्जे के मुताबिक। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नबूवत का दरवाज़ा बंद हो गया मेरे बाद, नबूवत का दरवाज़ा बंद हो गया लेकिन सच्चे ख्वाब अब भी बाकी, मुबशिरात सच्चे ख्वाब अब भी। और इसी तरह आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सच्चे ख्वाब नबूवत का 40वां हिस्सा होता है या 1 में 46वां हिस्सा है। चूँकि नबूवत भी गैब की खबर होती है और सच्चा ख्वाब भी आने वाले वक्त की खबर देता है, उसमें इशारा होता है, समझने वाला समझता है, नादान उसको समझ पाता। और इसमें सरकार का हुक्म यही है, आका ने फरमाया कि जो अपना ख्वाब है वो उनसे बयान करो जो तुमसे मोहब्बत करते हैं, ताकि वो उसकी अच्छी ताबीर बयान करें, अहले इल्म हों, मोहब्बत करने वाले हों, अच्छी ताबीर निकालें, उसकी बुरी ताबीर ना निकालें। तो ये कुरान में जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा इन्नी अराफिल मनामी अन्नी अज़बहुक, ऐ इस्माईल मैं देख रहा हूँ कि मैं ख्वाब में तुझे ज़िबा कर रहा हूँ। मेरी बात समझ रहे हैं, ख्वाब था लेकिन वही थी, ख्वाब था लेकिन क्या था, वही थी। मेरी बात समझ रहे हैं आप। इसी तरह हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया रअईतु अहद आशरा कौकबं वश्शम्स वल्कमर रअईतु उमली साजिदीन, मैंने देखा 11 सितारे और सूरज और चाँद मुझे सजदा कर रहे हैं। और बिल्कुल सच्चा ख्वाब था, पूरा हुआ। 11 आपके भाई, एक आपके वालिद और एक आपकी खाला, वालदा तो बचपन में फौत हो गई, आपकी खाला उनको ही वालिदा कहते थे, इन सब ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को सजदा किया। इसी तरह सूरह यूसुफ में है कि मिस्र के बादशाह ने ख्वाब देखा, उसने देखा कि मैं देख रहा हूँ कि 7 मोटी गायें हैं और 7 पतली गायें हैं, और जो 7 पतली गायें हैं वो 7 मोटी गायों को खा जाती हैं। अब उस दौर में जो मुअब्बिर था, जो ख्वाब की ताबीर बयान करता था, उसको भी निस्फ इलाह आधा खुदा समझा जाता था, आधा। ये एक उसूल शायद मैंने पहले भी कहीं समझाया था, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के जब पीछे वाकयात में बयान करता रहा मैंने अर्ज़ किया था कि अल्लाह ताला जिस नबी को जो मोजज़ा देता है वो मोजज़ा उस दौर में जो चीज़ अपने उरूज और कमाल पे होती है उसी नौइयत का होता है, उसी जिन्स का होता है मोजज़ा, याद रखें। मसलन मिसाल के तौर पर मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में जादू उरूज पे था, इसलिए तो कुरान ने कहा कि जब 70,000 जादूगर, ये तफसीर में 70,000 जादूगर, उन्होंने रस्सियाँ फेंकी तो वो रस्सियाँ सांप की मानिंद नज़र आने लग गईं, देखने वालों को सांप की मानिंद नज़र आने लग गए। अब जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा फेंका हिया तलकफ, उसने सारे के सारे वो सांपों को निगल लिया। इस पर सारे के सारे जो जादूगर थे वो सजदे में चले गए, उन्होंने कहा कि खुदा की कसम ये जादू हो सकता, जादू क्या है और क्या नहीं इसका सबसे बेहतर इल्म हमें है, क्योंकि हम जादूगर हैं, हम शोबे के लोग हैं, हमारा पेशा है, हमारा शोबा है जादू करना, हमें मालूम है कि जादू की हुदूद क्या हैं, कुदूद क्या हैं, कुयूद क्या हैं, और जादू के कवानीन क्या हैं, उसूल क्या हैं, जवाबित क्या हैं। हम जानते हैं कि ये जादू नहीं बल्कि ये मोजज़ा है। क्या है? और सब सजदे में चले गए। और फिरौन ने कहा भी अच्छा मेरी इजाज़त के बगैर ही तुमने इसको रसूल मान लिया और इसको सजदा कर लिया इसके रब को, अब भी तुम्हें मौका है वापिस आ जाओ वरना तुम देखोगे कि किसका जो अजाब है वो सख्त है, मूसा के रब का अजाब सख्त है या मेरा अजाब सख्त है। उसने कहा कि मैं उल्टी तरफ से तुम्हारे हाथ और पांव काट के सूलियां चढ़ा दूंगा। तो वो सब के सब जादूगरों ने कहा कि नहीं, जब हक हम पे वाजे हो गया फिर हम उससे पीछे हटने वाले नहीं। ये है जिसको हक की पहचान हो और वो नस्ली आदमी हो,
नस्ली हो, खानदानी हो, वो पीछे नहीं हटता किसी सजा, किसी डर और खौफ की वजह से। मेरी बात आप समझ रहे कि नहीं समझ रहे? और जिसके अपने खानदानी होने में मसला होता है, अपनी रिवायात में मसला होता है, अपनी अकदार और रसूमात में मसला होता है, वो कभी दाएं कभी बाएं होता है। मेरी बात आप समझे कि नहीं समझे? कहावत तो गलतुल आम ही है, गलत है, लेकिन बोली जाती कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, यानी उसे दोनों तरफ से खैर नहीं मिलती, दोनों तरफ से खैर नहीं। तो उन्होंने कहा कि अब चाहे तू सूलियां चढ़ा दे, हम पीछे नहीं हटने वाले। सबको शहीद कर दिया गया लेकिन कोई एक भी ईमान से पीछे हटा। तो देखा आपने, मौजज़ा उस तरह का दिया गया जिस तरह का फन उस दुनिया उस दौर में उरूज पे था। समझ रहे? एक दो मिसालें और अर्ज करता हूँ। ईसा अलैहिस्सलाम को जो मौजज़ा दिया गया वो उनके दौर के अंदर जो फन जो आर्ट अपने उरूज पे था उसके मुताबिक और उसकी जिन्स से दिया गया। मसलन ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में मेडिकल उरूज पे थी तिब। तिब की तारीख आप पढ़ के देख लें। ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने पूरी दौरे इंसानियत में जो मेडिकल है वो उरूज पे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में हुई। अब अल्लाह ताला ने उन्हें मौजज़ा उसी जिन्स का दिया, उसी जिन्स का मौजज़ा दिया। अब अतिबा का, तबीबों का, डॉक्टर्स का उस दौर के तबीबों का दावा था, बड़े बड़े मेडिकल के माहिरीन थे, कि ये अगर दवाई अंदर चली जाए फिर बंदा नहीं मरता। समझ आ रही है? यहाँ मौत के अलावा कोई ऐसी बीमारी नहीं जिसका हमारे पास इलाज ना हो, इस तरह के दावे थे उस दौर के अतिबा के। अब ईसा अलैहिस्सलाम को जो मौजज़े दिए गए वो मेडिकल से रेलिवेंट थे, मेडिकल से मिलते जुलते, तिब से मिलते जुलते थे। क्या अब उनके पास हर चीज का इलाज था, लेकिन जो बचपन से नबीना है उसका क्या इलाज है? तो ईसा अलैहिस्सलाम हाथ फेरते अल्लाह का नाम लेते वो बीना हो जाता। जिसके पास सवाद ना होती अपने मुबारक हाथ फेरते अल्लाह का नाम लेते वो सुनने लग जाता। समझ आ रही है बात या नहीं आ रही? तो मेडिकल तिब से रेलिवेंट उससे मुतलका अल्लाह ताला ने मौजज़ात अता किए। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जो अदब था, लिटरेचर, लिटरेचर अदब, अदब एक तो ताजीम करना होता है ना, ये मुराद नहीं। अदब से मुराद किसी जुबान के अंदर जो फन है, नसर की सूरत में और शायरी की सूरत में। अदब जो था, लिटरेचर जो था, वो अपने उरूज पे था। शायरी उरूज पे थी, खिताबत उरूज पे थी, किसस हिकायतें सुनाई जाती थी, किसस उरूज पे थे, खुतब खिताबात अपने उरूज के ऊपर थे, अमसिला मिसालें अपने उरूज के ऊपर थी, कहावतें अपने उरूज के ऊपर थी, शायरी उरूज पे थी, अदब हर हवाले से उरूज पे था आका अलैहिस्सलाम के दौर में। तो अल्लाह ने ऐसा मौजज़ा सरकार को अता फरमाया जो अदब से कम्पीट करता था, जो अदब के मुकाबले में था, जो लिटरेचर के मुकाबले में था, जो शेर भी नहीं था लेकिन शेर उसके आगे सईदा रेज था, जो नसर भी नहीं है लेकिन नसर उसके आगे सईदा रेज है। वो नसर भी नहीं है कुरान, और शेर भी एक दरमियानी कैफियत का कलाम है जिसको शेर भी नहीं कहा जा सकता, और नसर भी एक दरमियानी कैफियत का कलाम है। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वन्हर, इन्ना शानिअका हुवल अबतर कौसर वन्हर अबतर। समझ आ रहा है को वजन? शेर भी नहीं है, नसर भी नहीं, शेर भी सईदा रेज है और नसर भी सईदा रेज। और शुआरा बोल उठे कि अल्लाह की कसम ये किसी मखलूक का कलाम हो सकता? ये खालिक का कलाम। तो अल्लाह पाक उसी तरह का मौजज़ा अता फरमाता है। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को भी वही मौजज़ा मिला जो उनके दौर में फ़न उरूज पे था, वो था ख्वाबों की ताबीर। मुअब्बिर, ताबीर बयान करने वाले को निस्फ इला आधा खुदा समझा जाता, आधा खुदा समझा जाता। अब जब उसको बादशाह को ये ख्वाब आया कि सात पतली गायें सात मोटी गायों को खा जाती हैं, और सात सब्ज खोशे हैं और सात खुश्क खोशे हैं, सिट्टे गंदम के, वो सात खुश्क खोशे सात सब्ज खोशों को खा जाते हैं। दो रातों में एक ही जैसे ख्वाब आए, सब मुअब्बिरीन ने घुटने टेक दिए कि हमें इसकी ताबीर पता नहीं। इतने में वो शख्स जिसको यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब की ताबीर बयान की थी वो दौड़ा आया, साकी था, बादशाह को शराब पिलाता था। उसने कहा अगर इजाज़त हो तो मैं इसकी ताबीर लेके आऊँ। उनका तेरा शोभा नहीं, जहाँ इतने बड़े अहले इल्म आजीज आ गए तू ताबीर कहाँ से लाएगा? उसने कहा मैं अपनी तरफ से नहीं लाऊंगा। जेल में एक शख्स है बड़ा मुत्तकी परहेजगार, जुल्मन उसको जेल में डाल दिया गया है,
उन्होंने मुझे पैगाम कहा था 7 साल पहले, लेकिन मेरी बदबख्ती कि मैं उनकी हाजत ही भूल गया, मैं उनका पैगाम ही बादशाह को ना दे सका कि वो मजलूमियत के तहत जेल खाने के अंदर बंद है। आज मुझे एहसास हुआ है और मुझे याद आया, मुझे जाने दे। उन्होंने कहा जाओ फिर। यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास गए, उसने जब ख्वाब की ताबीर पूछी, आपने फरमाया अल्लाह के फजल से मेरे पास इसकी ताबीर है। जेल के कैदियों ने कहा ना बताएं ताबीर, पहले आपको जेल से रहा करें फिर बताइएगा। आपने फरमाया मेरे रब ने मुझे इसलिए इल्म नहीं दिया कि उससे जाती फायदे हासिल करूं, खुदगर्जी करूं, जाती फायदे हासिल करूं ना, इसलिए अल्लाह ने इल्म नहीं दिया। मेरा जाती फायदा हो ना हो, मैं अल्लाह का दिया हुआ इल्म छुपाऊंगा नहीं। आपने फरमाया बादशाह से कहना 7 मोटी गायों से मुराद खुशहाली के 7 साल हैं, और 7 पतली गायों से मुराद खुश्क साली कहत के 7 साल हैं जी। पहले खुश्क साली के 7 साल आएंगे और फिर कहत के 7 साल आएंगे, और वो जो 7 साल कहत के होंगे वो खुश साली को खुशहाली को खा जाएंगे, ख़त्म कर देंगे। इस पर जाकर उन्होंने जब बादशाह को ये सारे का सारा वाक्या बताया, उसने कहा इतना बड़ा आलिम कि सारे मुअब्बिरीन मिल के भी मेरे ख्वाब की तबीर बयान कर सके, और वो इतना बड़ा आलिम है और वो जेल के अंदर सड़ रहा, लाओ उसे मेरे पास। खैर आगे तवील वाक्या है, फिर और तरफ हम निकल जाएंगे। तो मैंने अर्ज़ किया कि आका अलैहिस्सलाम को 6 माह तक सच्चे ख्वाब आते रहे, वो भी वही की सूरत थी एक, लेकिन बाकायदा वही आका अलैहिस्सलाम को कब आई? इमाम इब्ने हजर अस्कलानी ने लिखा फतुल बारी में, बाकायदा आपको वही उस वक्त आई जब आका अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 40 साल हो चुकी थी। कितनी? पूरी 40 साल उम्र हो चुकी थी, और रमज़ान का महीना था। अब इसमें इख्तिलाफ है कि रमज़ान की कौन सी तारीख है, लेकिन इसमें इख्तिलाफ नहीं कि रमज़ान ही का महीना था। तो रमज़ान के महीने में आका अलैहिस्सलाम पर पहली वही नाजिल हुई, और इसके बारे दिन कौन सा था आका अलैहिस्सलाम ने खुद वजाहत की है, तौज़ीह की है। सही मुस्लिम की हदीस है कि आका अलैहिस्सलाम पीर का रोज़ा रखते थे। पीर का बोलिए, यौमुल इस्नैन, मंडे का पीर का रोज़ा रखते थे। पूछा गया या रसूल इस दिन रोज़ा क्यों रखते हैं? आपने फरमाया ज़ालिकल यौम वुलिदतु फीही व यौम बुइस्तु। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया यही वो दिन है जिस दिन मेरा मिलाद हुआ है, बस मैं हर पीर अपना मिलाद मनाता हूँ, हर पीर रोज़ा रख के अपना। हाँ, हुजूर के मिलाद मनाने का अंदाज़ और था, आज मिलाद मनाने का अंदाज़ कुछ और ही बन गया है। तो आका अपना मिलाद रोज़ा रख के मनाते थे, और फरमाया यही वो दिन है जिस दिन अल्लाह ताला ने मेरी तरफ वही भेजी, मेरी तरफ वही नाजिल फरमाई। तो पीर का दिन था। अब आका अलैहिस्सलाम ने जब ऐलान नबूवत किया, अपने घर की बात है। अब इस पे बात समझने वाली है कि सबसे पहले फिर इस्लाम कबूल किसने किया? सबसे पहले इस्लाम कबूल बोलिए किसने किया? इसके बारे 3 अकवाल हैं। पहला कौल ये है कि सबसे पहले इस्लाम हज़रत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा उन्होंने कबूल किया, वो सबसे पहली मुसलमान है। दूसरा कौल ये है कि सबसे पहले इस्लाम हज़रत मौला अली अल मुर्तज़ा ने कबूल किया है। तीसरा कौल ये कि सबसे पहले इस्लाम हज़रत अबू बकर अस्सिद्दीक ने कबूल किया है, और चौथा हज़रत ज़ैद के बारे भी आता है, लेकिन वो हमारी बहस से खारिज है। अब इसमें जानना चाहिए कि सबसे पहले इस्लाम कबूल बोलिए किसने किया है। तो इमाम नसाई ने बयान किया है सुनन कुबरा में, और हदीस को बहुत सारे मुहद्दिसीन मुसनद अहमद बिन हम्बल, इमाम अहमद बिन हम्बल अपनी 2 किताबों में लाए हैं, इब्ने अबी आसिम, इब्ने अबी शैबा, और बहुत सारे मुहद्दिसीन। एक फरिश्त है मेरे पास, शायद मुझे 20-25 मिनट सिर्फ नाम बताते हुए लगें जो हदीस में बयान करने जा रहा हूँ, मेरी बात समझ आ रही है? उन्होंने बयान किया कि हज़रत मौला अली अल मुर्तज़ा ने फरमाया अन अव्वलु मन सल्ला मा रसूलिल्लाह, फरमाते सबसे पहले जिसने हुजूर के साथ नमाज पढ़ी वो मैं अली बिन अबी तालिब हूँ। सबसे पहले मैंने नमाज पढ़ी आका अलैहिस्सलाम के साथ। और इसी तरह रिवायात जिनको इमाम तिरमिज़ी ने लिया, इमाम हाकिम ने लिया, और बहुत सारे मुहद्दिसीन ने लिया, हज़रत सलमान फ़ारसी रदी अल्लाह तआला ने भी यही बयान फरमाया।
वो फरमाते हैं कि अव्वल हाज़िहि उम्मति वुरूदन अला नबीजीहा अव्वलुहा इस्लामन अली इब्न अबी तालिब। हज़रत सलमान फारसी फरमाते हैं सबसे पहले आका अलैहिस्सलाम पर इस्लाम हज़रत अली बिन अबी तालिब ले गया है। मेरी बात आप समझे कि नहीं? और इसी तरह अब इसको बहुत सारे मुहद्दिसीन ने बयान किया है, किसी को हवाला जात चाहिए तो तशरीफ़ ले आए। इसी तरह हज़रत ज़ैद बिन अरकम ने बयान किया, इमाम नसाई इब्ने अबी आसिम इमाम हाकिम ने इब्ने अबी शैबा ने बयान किया, इमाम तिबरानी ने इमाम हैसमी ने बयान किया। वो फरमाते अव्वल मन असलम मा रसूलिल्लाह अली इब्न अबी तालिब, सबसे पहले जिन्होंने हुजूर पर इस्लाम कबूल किया आका अलैहिस्सलाम की मईयत में हुजूर के हाथ पे, वो हज़रत अली बिन अबी तालिब हैं करम अल्लाह तआला वजहहु करीम। और इसी तरह खुद हज़रत मौला अली अल मुर्तज़ा फरमाते हैं कि सबसे पहले जिसने इस्लाम कबूल किया वो मैं अली बिन अबी तालिब हूँ। मैं अलग अलग रिवायतें पेश कर रहा हूँ, एक ही चीज़ नहीं दोहरा रहा आपके सामने। मेरी बात अब समझे कि नहीं? हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास फरमाते हैं, मुसनद अहमद में है, मुसनद अबी दाऊद अत्तियालसी में, वो फरमाते अव्वलु मन सल्लम अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बादा खतीजा अली जुन वकाला मर्रतन असलमा। हज़रत खतीजा के बाद जो सबसे पहले इस्लाम लाए और जिन्होंने नमाज पढ़ी वो हज़रत मौला अली अल मुर्तज़ा है, ये इन्होंने फरमाया। इसी तरह हज़रत अनस इब्ने मालिक और हज़रत जाबिर रदी अल्लाह तआला ने बयान करते हैं, फरमाते बुइथन नबी जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौम अलिस्नैन वसल्ला अलीयुन यौम सुलथा, पीर के दिन हुजूर ने लाने नबूवत किया और मंगल के दिन सुबह मौला अली अल मुर्तज़ा ने मिल के हुजूर के साथ नमाज पढ़ी। ये अलग से रिवायत है, आगे बात समझ के नहीं आई? बोलिए। अब इसमें फिर कलाम आता है कि वो जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला ने हज़रत खतीजा के बारे अकबाल हैं उनमें तत्बीक क्या है। उनमें दो तत्बीकात उलमा ने बयान की। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया यूँ तत्बीक की कि औरतों में सबसे पहले ईमान और इस्लाम हज़रत खतीजतुल कुबरा लेके आए, मर्दों में सबसे पहले इस्लाम हज़रत अबू बकर सिद्दीक लेके आए, और बच्चों में सबसे पहले इस्लाम हज़रत मौला अली अल मुर्तज़ा लेके आए, और ग़ुलामों में सबसे पहले इस्लाम हज़रत ज़ैद बिन हारिसा लेके आए। लेकिन हम ये बात नहीं कर रहे, हम कोई और बात कर रहे हैं। हम ये बात कर रहे हैं कि आप मर्द औरत की तख़सीस निकाल दें, फ़र्क निकाल दें, मुज़क्कर और मुअन्नस होने का फ़र्क निकाल दें, बच्चा और बड़ा होने का फ़र्क निकाल दें, ग़ुलाम और आज़ाद होने का फ़र्क निकाल दें, फिर तरतीब क्या कि सबसे पहले इस्लाम कौन लाया। क्योंकि जो जितना पहले इस्लाम लाया होगा बाद वाले सब के सब उसके लिए सदक़े जारिया बनेंगे। मेरी बात समझ आ रही है या नहीं आ रही? और उसके पैरोकार होंगे। अब आप सारी तरतीब निकाल दें फिर क्या तरतीब बनेगी? इस पर इमाम मोहम्मद बिन इसहाक बिन यसार फरमाते हैं, और इसी कौल को जो बयान करने जा रहा हूँ इब्ने इसहाक के कौल को, इमाम इब्ने हिशाम ने भी बयान किया, इमाम बेहकी ने भी बयान किया, इमाम इब्ने अब्दुल बर ने बयान किया, इब्ने जरीर तबरी ने बयान किया, अल्लामा मुहद्दिस इब्नुल जौज़ी ने बयान किया, अल्लामा हाफिज़ इब्ने कसीर ने बयान किया, इमाम सालही शामी ने बयान किया, इमाम मुहिब्बुद्दीन तबरी ने, अल्लामा ज़हबी ने, अल्लामा ज़ैनुद्दीन इराकी और बहुत सारे मुहद्दिसीन ने बयान किया। वो कहते हैं सारी तफरीक अगर निकाल दी जाए फिर तरतीब क्या बनेगी इस्लाम लाने में? वो फरमाते काना अव्वलु मन तबअ रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खतीजा। फरमाते हैं कि सारी अगर तरतीब निकाली जाए तो सबसे पहले इस्लाम और हुजूर की इत्तिबा हज़रत खतीजतुल कुबरा ने की है सलामुल्लाहि अलैहा। सुम्मा काना अव्वलु ज़ाकरिन आमना बिही अली जुन। फिर दूसरी हस्ती जो आका अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए वो हज़रत मौला अली अल मुर्तज़ा हैं। और फिर फरमाते सुम्मा ज़ैद बिन हारिसा। फिर जो तीसरे इस्लाम लाए वो हज़रत ज़ैद बिन हारिसा हैं। सुम्मा अबू बकर सिद्दीक। फिर जो चौथे ईमान लाए वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक हैं। और ये जो उनका कौल है इसको अकल भी तस्लीम करती है। इसकी वजह यह कि जब आका अलैहिस्सलाम ने अपनी नबूवत के बारे बात की उस वक्त घर में बात हो रही थी, बाहर वाले का तो किसी को खबर ही नहीं थी, और उस वक्त हज़रत खतीजा मौजूद थी, मौला अली अल मुर्तज़ा मौजूद थे, हुजूर के ग़ुलाम हज़रत ज़ैद मौजूद थे, किसी चौथे को तो पता ही नहीं था कि वाकया क्या हुआ है। समझ आ रही है बात या नहीं आ रही?
इस पर सबसे आगे बढ़ के हजरत खतीजा ने कहा आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, मैं गवाही देती हूँ। फिर मौला अली ने कहा मैं गवाही देता हूँ अल्लाह अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। फिर हजरत जैद ने कहा कि मैं गवाही देता हूँ आप अल्लाह के सच्चे रसूल। हाँ, जब बात बाहर निकली तो बाहर वालों में से सबसे पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला ने हुजूर की तस्दीक की और इकरार किया कि मैं इकरार करता हूँ आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। आइए, बात समझ जानी आई। अब एक तो मैंने अकली दलील इस पे पेश कर दी और बहुत सारे आइमा के अकवाल पेश किए, को अपना जाती मौकफ नहीं है। मसला ये हो गया है कि जो हमारे साथ इख्तिलाफ करता है उसका इल्मी मयार कोई नहीं है। ये एक बहुत बड़ा मसला है, ये एक बहुत बड़ा रोना है। समझ आ रही है या नहीं आ रही? एक बहुत बड़ा रोना है कि जो इख्तिलाफ कर रहा है उसका कोई इल्मी मयार ही नहीं है। इंसान किस से बात करे, किसके लेवल में जाके बात करे, किस मयार पर उतर के बात करे, जब वो आपके मयार का ही नहीं है, आप किस तरह उसके मयार पे उतर के उससे बात करेंगे? बस मसला ये है। अब इस पे एक और दलील मैं पेश करता हूं। ये तो थे अकवाले मुहद्दिसीन आइमा सीरत नगारों की तहकीक और सहाबा इकराम के अकवाल, हजरत सलमान फारसी, ज़ैद बिन अरकम और हज़रत अनस बिन मालिक सहाबा के अकवाल पेश कर दिए। अब इस पर हदीस पेश करता हूँ जिसको इमाम अहमद बिन हम्बल ने मुसनद में बयान किया, इमाम तिबरानी ने अलमोजमुल कबीर में, इबन अबी शैबा ने अलमुसन्नफ में, इबन अबी आसिम ने अल उहाद वल मथानी में बयान किया, तबरानी ने बयान किया अलमोजमुल कबीर में, और इसी तरह अल्लामा ज़हबी ने बयान किया, अल्लामा इबन अबू इसहाक ने बयान किया, इबन असाकिर ने बयान किया, इसी तरह और दक्तूर खलील जुमा उन्होंने बयान किया निसाउ अहलिल बैत के अंदर, अल्लामा इब्ने कसीर ने मुख्तसर मदीनती दिमश के अंदर बयान किया, और बहुत सारे इस मुहद्दिसीन रावियों ने इस हदीस को बयान किया। अब आने लगी हदीस, हदीस पे तो कोई और एतराज़ कोई गुंजाइश रह जाती नहीं। जब सैयदा कायनात सैयदा फातिमा तो जहरा की शादी हुई आकलाम ने की मौला अली के साथ, तो हजूर ने तसली दी सैयदा फातिमा तो जहरा को, का फातिमा अम तरदीन अन्नी जब्वश तु की अकदम उम्मती सिलमा, ए फातिमा क्या तू खुश नहीं हो गई कि मैंने उस शख्स के साथ तेरी शादी की है जो मेरी उम्मत में सबसे पहले इस्लाम लाया है, वह अक्सर हम इल्मा, और उस हस्ती के साथ तेरी शादी की है जो मेरी उम्मत का सबसे बड़ा आलिम है, सबसे बड़ा, वह आदम हम हिल्मा, और उस शख्स के साथ तेरी शादी की है जो मेरी उम्मत में सबसे बड़ा बाखलाक इंसान है, जिसका इल्म सबसे अफजल, जिसका हिल्म और अखलाक सबसे अफजल है, उस हस्ती के साथ तेरी शादी की, क्या तू राजी नहीं है? तो इस पर आका अलैहिस्सलाम की जब हदीस आ गई, अब कोई गुंजाइश बाकी रह जाती तो ये तरतीब है। अगर तफरीक निकाल दी जाए और अगर तफरीक रखी जाए, फिर इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का बकौल कि औरतों में सबसे पहले हजरत खतीजा ईमान लाई और मर्दों में सबसे पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक ईमान लाए और बच्चों में हजरत मौला अली अल मुर्तजा और गुलामों में हजरत ज़ैद बिन हारिसा, अगर तफरीक रखी जाए मुजक्कर मोनस की बड़े छोटे होने की, फिर ये तरतीब है, और अगर तफरीक और तरतीब निकाल दी जाए फिर ये तरतीब जो मैंने अर्ज़ कर दी। आई बात समझ या नहीं आई? अब आका अलैहिस्सलाम आप पर पहली वही नाजिल हुई, अब हुआ क्या, कुछ अरसे के लिए वही का आना और वही का जो सिलसिला वह रुक गया, वही का सिलसिला। अब इसमें इख्तिलाफ है कि ये इकरा बिस्म रब्बी कल्लदी के बाद फतरते वही का जमाना है, चंद महीने के लिए वही नाजिल ना हुई, या बाद वाली सूरतों के बाद ये वक्त आया, लेकिन आया ज़रूर, इस पे इत्तिफाक है। चंद माह तक ऐसा हुआ कि आकल इस्लाम पर कोई वही नाजिल नहीं हुई। अब हुजूर अलैहिस्सलाम बड़ी इस्तिराब की कैफियत में रहते, बड़ी तकलीफ़ की कैफियत में रहते, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह एक आसान सा आपको एक मिसाल देता हूँ, लेकिन हुजूर के लिए वो मिसाल नहीं है, सिर्फ आपके समझाने के लिए। सरकार का मामला बिला मिसाल है, बिला तशबीह। देखिए, पुराने दौर में मोबाइल नहीं होते थे, जिस माँ का बेटा परदेश चला जाता था वो हर वक्त इंतज़ार में रहती थी कि कब उसका ख़त आएगा, उसका शौक
उसका अंदाजा मर्द नहीं कर सकता होता था, जो माँ का शौक होता था और जिस तरह वो इंतजार में रहती थी कि जल्दी उसका कोई खत आ जाए, कोई तार आ जाए, कोई पैगाम आ जाए, कोई अपनी खैर खबर ही बता दे। समझ आ रही है बात की? उसका शौक अजीब होता था। उसको अगर हम उस दौर में होते भी तब भी एक माँ के शौक और मामले को हम समझ सकते, वो किस तरह तड़पती होगी और इंतजार करती होगी कि मेरे बेटे का कोई खैर खबर आए, कोई खत आ जाए, कोई मकतूब आ जाए, कोई पैगाम आ जाए। बात समझ आ गई है? अब माँ का शौक तो बहुत अतना दर्जे का है, मामला है रसूल का और अल्लाह का। समझ आ रही है बात या नहीं आ रही? आका अलैहिस्सलाम अल्लाह के हबीब भी हैं, मुहिब भी हैं, हुजूर के हबीब भी हैं और आशिक भी हैं अल्लाह ताला के। आका अलैहिस्सलाम हबीब भी हैं और अल्लाह के आशिक भी। अब जब पैगाम आया, फिर दरमियान में काफी अरसा गुजर गया पैगाम ना आया, तो वो जो एक शौक के अंदर कैफियत होगी, तड़पना होगा, हिजर की कैफियत होगी। क्या हिजर? जुदाई। जुदाई के अंदर जो एक तकलीफ होगी, जो एक शौक कि दोबारा से महबूब का पैगाम आए, जल्दी आ जाए, कब आएगा कोई खबर नहीं, कब पैगाम महबूब भेजे, वो एक कैफियत शौक की, हिजर की, जुदाई की, वो इस दर्जे तक पहुंच गई कि आका अलैहिस्सलाम कई दफा दोबारा गारे हिरा गए कि यहां महबूब, यहां तूने पैगाम भेजा था, मैं फिर आ गया हूं, अपना पैगाम भेज। अब इसमें क्या है? आप कहेंगे अल्लाह ताला अपने महबूब को तड़पा रहा था। भाई तड़पाना भी तरबियत है, तड़पाना भी बोलिए तरबियत है। उस्ताद अगर मुश्किल मश्क दे देता है बेटे को, उसका शागिर्द को, बेटे को, उसका मकसद होता है ये खूब पक जाए, ये खूब मश्क करे, ये खूब पुख्ता हो जाए। समझ आ रही है बात या नहीं आ रही? रियाजी के सवालात ज्यादा से ज्यादा दिए जाएं, मतलब ये होता है इसको पुख्तगी हासिल हो, दरक हासिल हो, इसको कमांड हासिल हो। मेरी बात समझ रहे हैं आप? तो एक मश्क अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने हबीब को करवाते रहे, हत्ता कि आका अलैहिस्सलाम की फिर जुदाई का वक्त खत्म हुआ। हुजूर फरमाते हैं कि मैं गारे हिरा से वापस आ रहा था तो मैंने देखा आसमान पर वही फरिश्ता जिसको मैंने पहले देखा तो अपनी कुर्सी पे बैठा था और अल्लाह का पैगाम मुझे दे रहा था, या अय्युहल मुद्दसिर कौम फअंदिर, ए चादर लपेटने वाले हबीब कौम फअंदिर, उठिए और जाके अपनी कौम को अल्लाह का डर सुनाइए, वरब्बक फकब्बिर और अल्लाह के नाम को बुलंद कीजिए, वसियाबक फतहिर, जिस तरह पहले पाक साफ रहते हैं इसी तरह पाकी का मामूल रखिए। ये सूरह मुदस्सिर आका अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। इंशाअल्लाह ताला बकिया गुफ्तगू अगले जुमे पे करेंगे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।